देखो इस वॉशिंग मशीन का क्या प्रॉब्लम है, वन ई का एरर आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करके देख लेते हैं वन ई एरर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये लोडिंग कैपेसिटी ले रहा है। ठीक है, ये देखो वन ई एरर आ रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है, इसका प्रॉब्लम होता है हमारा जो प्रेशर सेंसर होता है वो वाला। ठीक है, देखा ये हमारा आउटसाइड का पैनल है, पैनल खोलते हैं। ये हमारा प्रेशर सेंसर है, इसका जो पैनल है ये पैनल हमको टेस्ट करना पड़ेगा। कहे यहाँ पे रास्ट, ये देखो ये रास्ट है यहाँ पे। ठीक है, इसका रास्ट चेक करना होगा आपको, प्रेशर सेंसर चेक करना होगा, यहाँ पे वोल्टेज चेक करना होगा, पीसीबी से ठीक ठीक से वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसका प्रेशर सेंसर का जो एयर पाइप होता है ना उसका भी चेक करना होता है आपको, प्रेशर का कहाँ पे जैम हो गया है। ये देखो इस प्रेशर सेंसर का पाइप यहाँ पे आया है, ये सेंस करता है जब यहाँ पे जो पानी आ रहा है, पानी आता है ना उसके बाद यहाँ पे पानी का प्रेशर सेंस करता है। जब पानी ठीक ठीक से हो जाएगा तब वो पीसीबी को सेंस करता है, तब पीसीबी पानी आने का बंद कर देता है। तो इसको टेस्ट करना होगा, चलो टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है या नहीं ठीक है। ये देखो ये रास्ट है, पड़ेगा यहाँ पे भी रास्ट होगा, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। ये मीटर से टेस्ट करेंगे हम लोग प्रेशर सेंसर ठीक है या नहीं ठीक है। ये दोनों पे ही हर टाइम ये दोनों पे रेजिस्टेंस आएगा, मिडिल पर जो पॉइंट है ना यहाँ पे कहाँ भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ये आउटपुट है यहाँ पे, इसीलिए इस सेंसर को ये रेजिस्टेंस है 220। इसका मतलब ठीक है, ये ठीक है ठीक है। यहाँ पे जो रास्ट है इसीलिए क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो रास्ट है इसलिए प्रॉब्लम है। इसका वायर भी टेस्ट करते हैं ठीक से, इसका वायर ठीक है या नहीं ठीक है। मतलब किसी भी यही है हमारा यहाँ पे, यहाँ पे एक पॉइंट इसका वायरिंग टेस्ट करेंगे। ये वाला एक पॉइंट यहाँ पे सेम कलर, वायरिंग ठीक है ये ठीक है, सेम वायर देख के टेस्ट करना होगा। वायरिंग ठीक है, तो हमारा हमारे पास दूसरा प्रेशर सेंसर था वो हम लोग टेस्ट, नया वाला नहीं है वो हम लोग टेस्ट लगा के फिर से टेस्ट करेंगे। पैनल को ये लगा दिया,
ई देखा रहा दो लेवल का प्रॉब्लम देखो फिर से लोड ले रहा है देखो स्टार्ट हो गया ये हमारा मोटर स्टार्ट हो गया सही है ठीक है हम लोग फिर से स्पिन करके देखेंगे सही है या नहीं है प्रोग्राम चेंज कर लेते हैं डेलिकेट पे दे रहा हूँ प्रोग्राम और जस्ट ओनली स्पिन कर रहा हूँ देखते हैं स्पिन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको दो ये ड्रेन मोटर एक्टिवेट हो गया ड्रेन मोटर चल रहा है हो गया देखो एक घूम रहा है